सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे और वो ट्रिक व्हाट्सएप रिलेटेड है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हम अपने व्हाट्सएप में फ़ोटो के साथ म्यूजिक ऐड करके अपना स्टोरी लगाएं, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। दोस्तों, आप और हम सभी लोग जानते हैं कि व्हाट्सएप में ऐसा कोई सेटिंग नहीं है कि हम अपने व्हाट्सएप में फ़ोटो के साथ म्यूजिक ऐड करें, तो ये कैसे होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको फुल डिटेल के साथ बताएंगे कि फ़ोटो में अपने म्यूजिक को कैसे अपलोड करके स्टोरी में लगाएं। आपको कोई भी थर्ड ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ये ऐप हमारे मोबाइल में हमेशा है और उसी ऐप के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि अपने फ़ोटो को म्यूजिक, तरह तरह की म्यूजिक हम कैसे लगाएं और अपने व्हाट्सएप में पोस्ट करें। तो चलिए, इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। इसमें आपका कोई भी घाटा नहीं है। दोस्तों, आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, आपको इसमें बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए, यहाँ से हम आपको अपना मोबाइल स्क्रीन पे लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, स्टोरी लगाने के लिए हमें सबसे पहले, यदि आपके पास फेसबुक ऐप है तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास फेसबुक की ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। तो चलते हैं अपने फेसबुक अकाउंट पे। फेसबुक अकाउंट खोलने के बाद दोस्तों, आपको क्रिएट स्टोरी पे जाना है और यहाँ पे आपको जो भी आपको म्यूजिक लगाना है, जो भी फ़ोटो में या फिर अदर चीज़ में, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। तो जैसे कि हम अपना एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये फ़ोटो पर हम अपना म्यूजिक लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपना फ़ोटो चूज कर लिए। अब यहाँ पे हमें इधर साइड में बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम अपना म्यूजिक ऐड कर लेते हैं, जो भी हम अपना म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे ये वाला म्यूजिक ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये म्यूजिक ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा बहुत सारे, आप किस टाइप में इसे देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो जो ऑप्शन आपको पसंद पड़े उसे आप डन कर दें। अब इसे ऊपर के ओर खींच दें कि आपके फ़ोटो पर डिस्टर्ब ना करें। यदि आप अपने फ़ोटो में इमोजी लगाना चाहते हैं या फिर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखकर डन कर दें। यदि आप यहाँ पे कुछ भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना लगा सकते हैं। यहाँ पे टैग लगा सकते हैं, म्यूजिक लगा सकते हैं, GIF लगा सकते हैं, इवेंट लगा सकते हैं। यदि आप ऐसा कुछ लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लगा दें। अब अगर यदि आपका इस तरह का कंप्लीट हो गया है तो आप यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर पे क्लिक करने बाद यदि आप वहाँ से सेव कर लेते तो यहाँ पे आपको साइड में सेव करने का ऑप्शन था, लेकिन वहाँ से अगर सेव करते तो वहाँ पे आपका म्यूजिक ऐड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ोटो वहाँ पर आपका सेविंग हो जाता। तो हमें म्यूजिक के साथ सेव करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा स्टोरी हो गया है क्रिएट। अब यहाँ पे अपना स्टोरी पे जाते हैं, मोर पे जाते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं सेविंग वीडियो के साथ आपको सेव कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा वीडियो सहित, म्यूजिक सहित हमारा वीडियो सेव हो गया। हम अपने चलते हैं स्टोरी गैलरी में, हम आपको वहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं म्यूजिक के साथ यहाँ पर हमारा फ़ोटो सेव हो गया है। तो इस तरह से इस ट्रिक का यूज करके हम अपने व्हाट्सएप में लगा सकते हैं स्टेटस। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखा दें, स्टेटस पे जाएं, यहाँ पे आपको जो लगाना है अभी जो हम अपना चूज किए हैं, यदि यहाँ पे लगाना चाहते हैं यहाँ पे आपको शेयर कर दें। यहाँ पे हमारा स्टेटस लग गया है। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपना किसी भी फ़ोटो को म्यूजिक अप्लाई करके अपना स्टोरी में लगा सकते हैं। तो चलिए, आज के बस इतना ही। मिलते हैं आपको नई इस तरह की वीडियो और लेकर। तो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।